एमएफ रेलवे के कटिहार डिवीजन द्वारा रेल दुर्घटना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। एनडीआरएफ की बिहटा बटालियन ने भी लिया भाग। किस तरह रेल दुर्घटना के समय लोगों का रेस्क्यू हो, किया गया मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। एनएफ रेलवे के कटिहार डिवीजन द्वारा कटिहार के कुरेठा स्टेशन पर रेल दुर्घटना को लेकर एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया, जिसमें बिहटा से आई एनडीआरएफ की 9 बटालियन की टीम ने भी हिस्सा लिया। कटिहार के कुरेठा स्टेशन पर एक जीवंत तौर पर ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किस तरह से यात्रियों को बचाया जाए, किस तरह से जान माल की अधिक क्षति होने से रोका जाए, इसकी एक्सरसाइज की गई। इस मॉक ड्रिल परफॉर्मेंस के दौरान रेलवे के एडीआरएम कुमार विजय चौधरी, एनडीआरएफ के कमांडेंट कुमार बालचंद अपनी पूरी टीम को दिशा निर्देश देते देखे गए। कटिहार के एडीआरएम और एनडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि समय समय पर इस तरह के मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाता है, ताकि रेलवे के हरेक विभाग अगर रेल दुर्घटना जैसी आपात स्थिति हो तो उससे निपटने में वो पूरी तरह तैयार दिखे। वहीं कमांडेंट ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम देश में कभी भी किसी भी तरह की आपदा हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या भूकंप या चाहे रेल दुर्घटना हो, अन्य कोई भी आपदा, अपने प्रशिक्षित टीम के साथ घटनास्थल पर पूरी तरह से तैयार मिलती है। हमारे संवाददाता सोनू चौधरी की रिपोर्ट, कटिहार, बिहार से। हम लोगों से अपील है, दुर्घटना स्थल से दूरी बनाए रखें। बेहतर सुरक्षा एवं बचाव के लिए आरपीएफ के जवान, मेडिकल टीम, एनडीआरएफ के टीम एवं रेल कर्मचारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। कर रहे हैं रेल कर्मचारी लोग, निरंतर प्रयास बेहतर बचाव एवं सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है, शांति बनाए रखें। ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों का, ताकि कम से कम कैजुअल्टी हो, अब उनका एनडीआरएफ की क्या होगी? जी, जो ये मॉक ड्रिल किया जाता है, ये समन्वय स्थापित करने के लिए ही किया जाता है और ये समय समय पर होता रहता है, ताकि एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल बना रहे। इसी के क्रम में आज का जो मॉक एक्सरसाइज है वो शुरुआत हुई कि हमारे टीम को कटिहार डिवीज़न से सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। टीम अभी लोगों को इवैक्यूएट, जो इसमें फंसे हुए लोग थे, जो पैसेंजर थे, उनको इवैक्यूएट कर रहे। जो सिचुएशन ये क्रिएट किया गया था कि आपस में बोगी जो है वो सिकुड़ गई है और उसमें एकमात्र रास्ता है कि हम उसको ट्रेन को काट कर ही हम उनको निकाल सकते हैं। इसी सिचुएशन के हिसाब से अभी लगभग सभी पैसेंजर को निकाल लिया गया है, सिर्फ एक विक्टिम अभी इसमें फंसा हुआ है, जिसके लिए पूरा ट्रेन के प्लेट को काटकर और उसको निकालने का प्रक्रिया चल रहा है। सर, एनडीआरएफ की कहाँ की बटालियन है, कितने? ये हम लोग 9 एनडीआरएफ, पटना हमारा हेडक्वार्टर, पटना के बिहटा में हमारा हेडक्वार्टर है और हमारी 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन। सर, पर्ची दीजिए। मैं कुमार बालचंद, डिप्टी कमांडेंट 9 एनडीआरएफ। ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, मॉक ड्रिल के जरिए प्रदर्शन है, क्या है इसमें, किस तरह से रेलवे की भूमिका एनडीआरएफ के साथ रहती है? देखिए, जो मॉक ड्रिल हम लोग एवरी 3 महीने के अंदर करते हैं। अगर 3 महीने हमारा ईआरटी या आर्मी बाहर, मतलब अपने स्टेशन से बाहर नहीं गया, तो 3 महीने के अंदर हम लोग एक मॉक ड्रिल करते हैं, जिससे हमारा जो स्टाफ का जो ये अटेंटिवनेस है वो बरकरार रहे। और ये खासकर हमारा एनडीआरएफ के साथ एक साल में एक बार हमारा मॉक ड्रिल होता है, जिसे एनडीआरएफ से बेहतर तालमेल, जिसे कोई काफ़ी अनयूजल हो उसमें बेहतर तालमेल एनडीआरएफ के साथ बढ़ाया जा सके, इसके कारण हम लोग उनके साथ मिलकर मॉक ड्रिल करते हैं।